हेलो गाइस दिस इज अमिता वेलकम टू टेक मास्टर्नी द सब्जेक्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी प्रैक्टिसेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वालिटी दैट इज आईएसओ सो लेट्स स्टार्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दैट मीन्स ये आपको प्रूफ देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं इस काइंड ऑफ आपको सर्टिफाई करते हैं फाउंड इन द ट्वेंटी थर्ड ऑफ एब एंड नाइनटीन फोर्टी सेवन ये सारे क्वेश्चन क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ही लिखना है तो इट मे बी पॉसिबल कि हमसे ऐसी चीज़ें पूछ ली जाएँ इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हेड क्वार्टर्स पूछे जाते हैं मेंबर बॉडी अब मेंबर बॉडीज़ कौन होते हैं जिनके पास में वोटिंग राइट्स होता है जो कि पार्ट ऑफ द टीम होते हैं नेक्स्ट होते हैं करस्पॉन्डिंग मेंबर्स जिनके पास में कोई ऑप्शन नहीं उनके पास में कोई ओपिनियन नहीं होता डिसीजन मेकिंग में उनका रोल कॉल नहीं होता है नेक्स्ट इज़ सब्सक्राइबर मेम्बर्स दे ओनली फॉलो द सर्टिफिकेशन जैसे कोई भी कंपनी होती है वो कंपनी सर्टिफिकेट को एक्वायर करती है लेकिन उसका पार्ट नहीं हो जाती जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट अगर हम पार्टीज़ की बातें करें सर्टिफिकेशन तो तीन टाइप के टर्म्स होते हैं फर्स्ट जो खुद को ऑडिट कर सकते हैं खुद के एवेल्यूशन करके खुद को सर्टिफाइड करने टाइप की कंपनियाँ होती हैं नेक्स्ट जो कस्टमर कस्टमर ओरिएंटेड होती है सेकंड पार्टी जो होती है वो कस्टमर ओरिएंटेड होती है कि कस्टमर के व्यूज़ रिव्यूज़ ये सारी चीज़ों से वो एस सर्टिफाइड होती है ओके थर्ड पार्टी क्या होता है कि या तो वो किसी थर्ड पार्टी मेंबर से लाइक like एस कि ये जो मेंबर बॉडीज़ हैं इसमें से कोई मेंबर आए उनको सर्टिफाइड करे या फिर कोई एजेंसी आए और उनको सर्टिफाइड करे उनको ऑडिट करके ओके तो ऐसे टाइप से होता है नेक्स्ट इज वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ आई एस ओ नाइन थाउजेंड ये क्वालिटी के लिए काम करता है स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में एक डेफ़िनेशन है जो कि फ़िलिप्स क्रॉस बाई के द्वारा दी गई है उनने कहा है कि ये जो आई एस ओ सर्टिफिकेट होता है इट इज जस्ट लाइक आप बैंक से कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट ले लेता है तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक आपको अश्योर कर रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कभी बैंक करप्ट नहीं होगी तो जस्ट लाइक दैट अगर आपसे कोई आकर कहता है कि हमारे पास में आई एस ओ सर्टिफिकेशन है तो इट डज़ नॉट मीन कि दे आर द बेस्ट तो आप उनको ये गुरुजी की लाइन मार सकते हैं कभी भी कि इट्स नॉट कंपलसरी कि आप ख़राब नहीं हो सकते आए सर्टिफिकेट ये नहीं बताता इस बात की श्योरिटी नहीं लेता ओके नेक्स्ट इज सेवेंटी नाइन में बी एस आई दैट इज़ ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसने प्रपोजल दिया और एटी सेवन में फर्स्ट एडिशन आ गया अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये आ सकते हैं इसकी श्योरिटी थोड़ा सन कम पूछे जाते हैं देर आर एट प्रिंसिपल ऑफ टी क्यू एम जिनको हम फर्दर पढ़ने वाले हैं तो उनके बेसिस पर क्या है इनको बनाया गया है अब आपको डीप डाउन नहीं जाना है लेकिन ये ज़रूर आएगा मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपको कैसे याद रखना है फर्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट आपको ये याद रखना है कि आई एस ओ में जब भी फर्स्ट होगा दैट विल टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट्स एंड जो फोर्थ होगा दैट विल टॉक अबाउट द गाइडलाइंस ठीक है फोर्टीन थाउजेंड हम फर्दर पढ़ेंगे उसमें भी यही फॉर्मेट होगा तो आपको ये याद रखना है नेक्स्ट इसके बाद में अगर यहाँ पर टू है नाइन थाउजेंड एंड टू है तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स टू वर्ड्स हैं ठीक है थीके? तो हम हम इसको ऐसे याद रखेंगे नेक्स्ट इज थ्री थ्री के लिए फाइनल इंस्पेक्शन टेस्टिंग थ्री वर्ड्स अगेन सो वी विल ऐसे याद रखेंगे अब हम इसे नेक्स्ट करेंट वर्जन क्या है इसका फिफ्टी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड क्वालिटी को अगर हमने सब डिविजन सेक्शन में अगर हम डीप डाउन थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको तो ये तीन चार सेक्शन हैं इसके विच इज़ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेज रिसोर्स मैनेजमेंट नेक्स्ट इस प्रोडक्ट एंड सर्विस रियलाइजेशन मेजरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट ये सारे इसके सेक्शंस हैं जो कि गाइडलाइंस के अंदर आते हैं जिनके बारे में मे भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट नाउ वी विल सी दिस फ्लो डायग्राम सबसे पहले हम अगर इसके बारे में देखते हैं मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिसोर्सिस से जाकर बात करेंगे रिसोर्स प्रोडक्ट को रियलाइजेशन करेंगे देन इसके बाद में मेजरमेंट करेंगे एनालिसिस करेंगे और जो भी फॉल्ट थी उनको इम्प्रूव करेंगे एज यू कैन सी यहाँ पर हमने डिटेल दिया हुआ है कि डैश डैश लाइन इज़ इन्फॉर्मेशन एंड दिस वन इज़ सॉलिड लाइन इज़ वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है जब हम यहाँ पर कस्टमर से पूछ रहे हैं कि वॉट यू वॉन्ट हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं सबसे पहले उन रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं हम पहले बात कर रहे हैं रिक्वायर मतलब कस्टमर से देन इसके बाद में हम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवा रहे हैं प्रोडक्ट के रियलाइजेशन में देन हम प्रोडक्ट को बेटर बना रहे हैं और हम आउटपुट दे दे रहे हैं लेकिन हम बात कहाँ पर करें कस्टमर सेटिसफैक्शन ऑफ फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सिस्टम तो हम फीडबैक कैसे ले रहे हैं कस्टमर सेटिसफैक्शन इन द टर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट कि क्या इम्प्रूवमेंट हम और करें और उस इम्प्रूवमेंट से क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं

सब्जेक्ट में अच्छे से जानेंगे लेकिन हम अगर डिटेल में नहीं शॉर्ट में बताऊं तो इसमें क्या होता है सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप बिजनेस बनने वाले हैं तो आपको इन्वायरमेंट को कैसे हार्म नहीं करना है वो सारी चीज़ों के बारे में होता है आपकी फैक्ट्री या फिर फॉर्म से क्या अमीशन हो रहा है वो एन्वायरमेंट को कैसे हार्म करेगा और आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें ऐसी हो रही है जो नेचर को फ़ायदा देगी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है आपने उसमें सोलर पैनल लगाया हुआ है तो दैट इज़ अ गुड थिंग आपने वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है सो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर अंडर दिस वन कोई मुझसे पूछे कि इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है तो मैं बोलूँगी कि ये इम्पोर्टेंट ये वर्ड्स कि इस किसके अंदर आता है क्या डिपार्टमेंट है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है तो बेसिकली क्या होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा मकअप करना पड़ेगा और ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं अब आपके ऊपर है क्या आ जाता है और ट्रिक से याद करना क्योंकि अगर मेरी ट्रिक भी होगी तो आपको उतना फ़ायदा नहीं करेगी जितनी आपकी खुद की ट्रिक होगी छोटी चीज़ों के लिए तो मैं ट्रिक बता सकती हूँ ना दिस इज़ टू मच लेंथ ओके सो नेक्स्ट इज़ अब आई जितने एग्ज़ाम्स में देखे गए हैं उन सारों की मैंने लिस्ट बनाई है हम एक एक करके देखते हैं फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट्स इसके बारे में नेक्स्ट आपका फोर्थ वाले के लिए मैंने बताया था कि गाइडलाइंस एंड स्कोप्स के बारे में बात करता है फोर्टीन आपको बिल्कुल याद कर देना है कि ये एन्वामेंट से रिलेटेड है ओके एनवायमेंट से रिलेटेड है एंड फिफ्टीन थाउजेंड को भी मैं इसी के साथ में मर्ज करके बोलूँगी दिस इज़ एनर्जी एनर्जी है आपके रीन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल ये सारे एनर्जी रिसोर्सेज और सारे उनका मैनेजमेंट इसके अंदर आ गया ठीक है नेक्स्ट हो गया थर्टी वन थर्टी वन इज़ फॉर रिस्क मैनेजमेंट अब आप आर को ऐसा कुछ बनाते हैं फिर ऐसे थ्री को भी ऐसा कुछ बनाते हैं तो यू कैन रिमेंबर बाय दिस वन एंड यहाँ पर अगर आप ऐसा लगाते दें तो ये आर काइंड ऑफ बन सकता है नेक्स्ट फूड सेफ्टी के लिए आपका ट्वेंटी टू थाउजेंड होता है बिज़नेस के लिए ट्वेंटी टू थ्री जीरो वन एंड ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स स्पेशल ट्वेंटी सिक्स मूवी अगर आपने देखी होगी तो उस पर एक ह्यूमन राइट पे थोड़ा सा वो होता है कि आप जॉब फालतू की जॉब प्रोवाइड करवाता है वो फेक होती है तो सी एस आर का क्या है मतलब इसको भी हम एनवायरमेंट में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कोई भी बड़ा फॉर्म होता है तो वो वो एनवायरमेंट का बहुत हिस्सा लेकर फिर उस फॉर्म को खड़ा करता है इट्स ऑल अबाउट वॉट यू आर रिटर्निंग टू नेचर आप क्या वापस कर रहे हो नेचर को वो सारी चीज़ें आती है सी एस आर के अंदर समटाइम्स आप ट्राइब को कर रहे हो या फिर आप लोगों को एजुकेशन दे रहे हो या फिर आप एनवायरमेंट के लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो टू परसेंट और फाइव परसेंट का स्लैब होता है सी एस आर का वो हम फर्दर उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट होता है फोर्टीन हंड्रेड सिक्सटी फोर इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड जितने भी होंगे उसके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट वाले हैं ये आपको याद ही करना है वो जो प्रीवियस वाले थे वो आप स्किप कर भी सकते हो लेकिन ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद करना है ओके सो थैंक यू सो मच दिस इज़ इट फॉर टुडे ओके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू